सरकार हो या सरकारी महकमा, गढ़वा जिले में खेल बेहतर हो इसके लिए लगातार प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्धता दिखाई भी देती है। तभी तो कल से गढ़वा जिला मुख्यालय के साथ साथ सभी प्रखंडों में स्टेट इन जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। हमारे साथ खुद एसडीओ राज मैसलम सर, हम बात करेंगे। सर, खेल का आयोजन किया गया है कल से फुटबॉल टूर्नामेंट, क्या ये इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट किया जा रहा है जिसमें कि झारखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये हमारे लिए काफी गौरव की बात है कि सभी अनुमंडलों में ये मैच आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि 9 प्रखंड कुल हैं और ये 10 से 18 तक ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें कि 23 मैचेस आयोजन किया गया है। फाइनल का लोग 18 होंगे। कल रंगारंग कार्यक्रम के साथ 12 बजे दिन में इसका उद्घाटन किया जाएगा, माननीय मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे स्कूल के बच्चे हो सभी को पार्टिसिपेशन हो और आप लोग से भी अनुरोध करेंगे कि यहाँ से अधिक संख्या में यहाँ के गढ़वावासी इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि टूर्नामेंट को इसका खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े। जैसे कि फुटबॉल का आयोजन नहीं हो सका था इतने सालों से, कुछ गैप हो गया था, आयोजन होने जा रहा है, निश्चित रूप से हर्षित होने वाला पल है। अन्य टीमें भी आ रही है, रेलवे की भी टीम जैसा कि सर ने बताया। क्या अब तक कल से आयोजन, सर क्या तैयारी? हम लोग के सभी होटल्स में हम लोगों ने बुकिंग कर रखी है कि होटल्स में ही रहने की व्यवस्था की है जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाड़ी आ रहे हैं, ताकि उनको और आवागमन के अलावा इसके बसेस की व्यवस्था की गई है। अगर जो कि सुदूरवर्ती प्रखंड में भी मैच, बरगर में भी, भंडरिया जैसे प्रखंडों में आयोजन किया जा रहा है तो वहाँ के लिए आवागमन के लिए उनके अच्छे होटल में रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था उनके खिलाड़ियों के लिए की गई है, क्योंकि कोई भी कठिनाई न हो और गढ़वा से वो खुश होकर जाएं। और जो हमारे जो प्रयास है कि गढ़वा में उनको किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हो और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी भी आ रहे हैं, लगातार उनका आवासन यहाँ पे है, तो हर एक मापदंड से हम लोग चाह रहे हैं कि वो फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन हो ताकि यहाँ पे जो खिलाड़ी मैचेस का आयोजन हो उनके बीच में से ही झारखंड स्टेट के टीम का सिलेक्शन होना है। तो इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि उसके सभी नियमों को हम लोग फॉलो करें और जो मापदंड जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अपनाया जाता है उसको अधिक से अधिक हम लोग अनुपालन कर सके। आयोजन के जो कल आयोजन हो रहा है, शुरुआत जो हो रही है, कौन उद्घाटन करता है? इसे माननीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, जो कि झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते उनके द्वारा ही इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन अध्यक्षता में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के माननीय सचिव भी आ रहे हैं, उनके संयुक्त रूप से उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम निश्चित रूप से आगाज से अंजाम तक पहुंचे और साथ ही जैसा कि सर ने भी अपील किया, हम भी कहना चाहेंगे कि क्रिकेट का जो इस तरह सर पर चढ़कर बोल रहा है लोगों के, लेकिन फुटबॉल का आयोजन टूर्नामेंट का गैप हो गया था, नहीं हो सका था आयोजन, आयोजन होने जा रहा है तो आप जहां वहां पहुंचे साथ ही अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें ताकि जो बाहर के खिलाड़ी आ रहे हैं आपके यहाँ खेलने वो एक मैसेज लेकर जाए कि सच में गढ़वा जिला खेल में बहुत आगे है। जहां खेल का आयोजन होता है वही दूसरी ओर अगर बाहर के खिलाड़ी आते हैं उन्हें हर तरह से सराहना दी जाती है, उनके खेल को सराहा जाता है और कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। तो आप पहुंचे कल इस फुटबॉल जो टूर्नामेंट है, आयोजन जो रहा है उसकी कल शुरुआत हो रही है, रमा साहू के मैदान से इसकी शुरुआत हो रही है, 12 बजे दिन में इसकी शुरुआत होगी, तो आप निश्चित रूप से वहां पहुंचे और खेल आयोजन का आनंद लें। धन्यवाद।